थर्मल गन खरीदा गया है 21,960 रुपए में एक दाना, जिसकी बाजार में नॉर्मल अभी भी आप पूछ लें, कराची किसी को भेजें, क्वेटा भेजें, वो आपको 1800 रुपए में आला क्वालिटी का मैं अब देने के लिए तैयार। आया था कोरोना तो थर्मल गन को मेरे ख्याल में सना साहब पहचानते भी नहीं थे। सना साहब अपने घर में बैठकर गरीबों का और हुकूमत का और उनके नुमाइंदों का मजाक उड़ा रहे थे। उस टाइम हम मार्केट में थे, उस टाइम मार्केट में अगर थर्मल गन किसी भी दुनिया की कंपनी ने इससे कम पर लिया है जो रेट लिखा गया है, तो वो उसके लिए पीडीए में जवाब दे। फेस मास्क N95 800 रुपए का एक खरीदा गया है, 20,000 दाने इसके खरीदे गए 16 मिलियन के। N95 सना साहब ने मेरे ख्याल में ख्वाब में भी नहीं देखा था, जब उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज शॉर्ट हो रही थी, बड़े बड़े ममालिक जहाँ अमेरिका जैसे ममालिक वहाँ इन चीज़ों की कमी थी, लेकिन पीडीएमए ने अब हिम्मत करके अपनी मुखलिसियत अपनी बलूचिस्तान के लोगों के साथ दिखाकर हर किस्म के मसाइल और वसाइल से की परवाह किए बगैर हर किस्म की फैसिलिटीज अपने लोगों को बाकी दुनिया से मैं समझता हूँ बर वक्त अपने लोगों तक पहुँचा दी। कोरोना के मरज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने डॉल्स खरीदे, जो क्या गुड़िया उर्दू में जिसको कहते हैं, कोरोना के मर्ज को कंट्रोल करने के लिए लूडो के गेम खरीदे गए, कोरोना की मर्ज को कंट्रोल करने के लिए ताश खरीदे गए, कोरोना को भगाने के लिए यानी कोरोना को ट्रांसपोर्ट करके बलूचिस्तान से निकालने के लिए इन्होंने टॉय कार्स खरीदे। 25 दिन में बच्चों को दूध भी जरूरत होती है, बच्चे हमारे बच्चे हैं, बच्चे क्वारंटाइन कर रहे थे वो उनके लिए चॉकलेट्स की भी जरूरत होती है, वहाँ लोगों को अख्तर हुसैन साहब अगर हफ्ते में एक दफा ना आते होंगे, इन हजरात का यही ख्वाहिश है कि हमारे अवाम के लिए ये चीजें ना हो, सिर्फ हमारे घर में हो। तो असेंबली में सच कह रहे हैं तो वो पीडीएमए को जिस किस्म का सजा देना चाहते हैं मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मैं समझता हूँ सना बलोच उन्होंने असेंबली की फ्लोर में एक इदारे पर घटिया और मनगढ़ंत खबरें फैलाने की कोशिश करके उसके साहब को नुकसान पहुंचाया।